मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुशन। कैसे बनता है, क्या क्या उसमें लगता है, ये देखिए। सबसे पहले ये ग्रे कलर का मैंने पर्दा वाला कपड़ा लिया है और इसमें ये दो बटन लगेंगे। हम व्हाइट भी स्टोन लगा सकते हैं या ऐसे डिजाइन के भी बटन लगा सकते हैं। तो चलिए, इसमें बारीक धागा लगता है और बारीक सुई, और इसमें ये बारीक धागा हो गया और ये मोटा धागा भी लगता है लास्ट में, जैसे कि हम रुई डालने के बाद में पक्का धागा होना चाहिए। ये मोटा धागा और इसमें ये मोटी सुई भी लगती है। और ये मार्किंग करने के लिए पेन, स्केच पेन से भी कर सकते हैं, चौक से भी कर सकते हैं, इंची टेप मेजरमेंट लेने के लिए। और ये स्केल भी ले सकते हैं हम, बड़े कोई मतलब स्केल वगैरह है तो वो भी ले सकते हैं। ये चीज़ इसमें सब मार्किंग करने में लगता है। और चलिए इस कपड़े की प्राइस बता देती हूँ मैं। जैसे कि ये ग्रे कलर का मैंने वीडियो अपलोड, मतलब सब कुशन की वीडियो अपलोड की थी अभी, तो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी। अब जैसे ग्रे कलर के कुशन में डिजाइन है, वो डिजाइन बताना मैम, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें ग्रे कलर का दो कुशन मेरे बने रखे हैं और ये 3 कुशन और बनाए हुए थे। 5 का सेट ही बनना चाहिए कुशन का, 5 का सेट बनाएंगे तो ये सोफे पे हम सेट कर सकते हैं इनको। तो ये कपड़ा है मेरा 100 रुपया मीटर। एक कपड़ा आता है 75 रुपया मीटर, एक कपड़ा आता है 85 रुपया मीटर। तो अलग अलग वैरायटी का कपड़ा होता है। जैसे कि हम जाने कि भाई ये तो एक जैसा कुशन बना ले हम, कोई भी कपड़ा हो। और एक आता है 60 रुपया मीटर, लेकिन मैं ये 100 रुपया मीटर वाले से कुशन बनाती हूँ। अच्छी शेप आती है बनने के बाद में, बहुत सुंदर। मेरे जो भी कुशन बनेंगे तो बहुत अच्छे बन के आती है उनकी डिजाइन। अगर हम 60 वाले से बनाएंगे तो उनकी डिजाइन इतनी अच्छी नहीं आती है, उतनी हम मेहनत करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको सीधी साइड नीचे करनी है और ये उल्टी साइड मार्किंग करने के लिए ऐसे बिछा के तैयार कर लेंगे सबसे पहले। और जैसे कि आजकल मैं वीडियो अपलोड कर रही थी कुशन की, उसमें हम डिज़ाइन अलग अलग दे रही थी। सब में बहुत डिज़ाइन की वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऐसे बिछा के उल्टी साइड में, जैसे इसकी मतलब पैना में चौड़ाई होती है उतनी हम लेना, ऐसे उसमें इस साइड से मार्किंग करेंगे। और सबसे पहले सब में मैं 2.5 इंची छोड़ती थी, 2.5, और अभी मैं इसमें 3 इंची सबसे पहले टिक लगा रही हूँ। साइड में 3 इंची छोड़ना है, फिर उसके बाद में हमें 0.5 इंची और 0.5। तो ये 2 बॉक्स 0.5 इंची के लगा लिए हम। तो उस ग्रे वाले में मैंने बहुत मतलब छोटी डिजाइन ले रखी है, तो ये आधा भी नहीं है, आधा से थोड़ा सा ये 0.5 इंच हमारा इधर हो रहा है, तो इस लाइन पे ले लेना है। ये लाइन खाली छूटेगी। फिर इसके बाद में इसी तरीके से 2 इधर हम, अभी देखिए 0.5 इंची हम ये टिक लगा लिए इस तरीके से। तो इधर भी टिक लगा लिए, इधर भी टिक लगा लिए। तो दोनों टिक पे हम इस तरीके से स्केल रख के, ये ऐसे दोनों पे ये स्केल रख के हम ऐसे पेन से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए डिजाइन बनेगी जो आधा आधा इंची हम लिए थे तो इसकी मार्किंग हो गई। तो फिर हम फिर से 3 इंची छोड़े थे तो ये बॉल के पास में आ जाता है ये 3 इंची। तो इसको भी हम ऐसे ही लाइन से लाइन मार्किंग कर देंगे। ये हो गई। तो ये हमारी मार्किंग मतलब सीधी सीधी लाइन हम इसमें लाइन से लाइन मैच कर दिए। लाइन से लाइन मैच करने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं इस डिजाइन में। और इसमें हम बॉल के लिए, जैसे बॉल के लिए हम ये चौड़ाई लिए थे 6 इंची और ऐसे बॉल की लंबाई लेंगे 3-3 इंची। तो ये इस तरीके से सबसे पहले हम ये टिक लगाएंगे 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12 मतलब ऐसे ये 3-3 हर 3-3 इंची पर टिक लगाना है। ये टिक लगाने के बाद में हमें ऐसे कोई भी स्केल वगैरह रख के ये इस तरीके से ये बॉल के लिए हो गया 3-3 इंची। और मैं छोटे बॉक्स बनते हूँ वो और बता देती हूँ। जैसे कि ये बॉल हो गई, हम 16 बॉल का बनाएंगे तो इसी तरीके से 3-3 इंची लेना है और ये इस तरीके से हम इसमें भी छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे जो सुई धागे से सिलेंगे। ये ऐसे ये फर्स्ट में इधर हम सिलाई मारेंगे। तो इसके बाद में हम ऐसे आधा आधा इंची छोड़ना है इसमें अंदाजे से, जैसे आधा आधा इंची। देखिए ऐसे ये पूरे दोनों साइड इसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे। फिर बॉक्स के अंदर डिजाइन वही बनाएंगे हम जैसे कि 5 बॉक्स वाले में होती है। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं पेपर में समझाऊंगी लास्ट में अच्छे से मार्किंग की। और सुई धागे सिलने का तरीका तो बिल्कुल है। अभी देखिए बॉक्स बनाए थे हम छोटे छोटे बन के तैयार हो गए। तो बॉक्स में दिख रहा है आपको शायद, लेकिन इसमें हम इस तरीके से टिक लगाएंगे। देख फर्स्ट में ऐसे लगाए 2 लाइन इसमें बना के ले जाएंगे, फिर सेकंड ऐसे, फिर ऐसे। ये देखिए 2 लाइन हम सुई धागे से जो सिलेंगे इसमें इस तरीके से एक एक बॉक्स छोड़ के एक एक में ये टिक लगाना है। जैसे ये आमने सामने वाले छूट गई, इस आमने सामने वाले को हमें बनाना है सुई धागे से। तो इसी ही तरीके से हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए 1 लाइन ऐसे हो गई। फिर इसको जैसे कि ये मतलब इसमें 5 बॉक्स हैं तो इसमें हम फर्स्ट में ऐसे किए हैं, ये सुई धागे से सिलेंगे। फिर एक ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। फिर लास्ट वाली में हम ऐसे इस तरीके से करेंगे। तो ये 3 बॉक्स अंदर छूट गए। फिर इसके सामने वाली में ऐसे, तो ये इसी ही तरीके से फर्स्ट में अंदाजा ये लेना है 3 बॉक्स छोड़ना है और आमने सामने ऐसे लेना है, तभी ये डिजाइन बन के आएगी। अभी देखिए इसमें मार्किंग कंप्लीट कर दी है हम। तो इसमें समझ नहीं आता, मैंने स्केल पेन से भी किया था, स्केच पेन से भी और वैसे पेन से भी, लेकिन इसमें ये कलर ग्रे कलर है तो इसमें दिखता नहीं है। उल्टी साइड में हम मार्किंग करे हैं लेकिन इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट है कि इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो मैं इसलिए पेपर में समझा देती हूँ आपको। तो ये देखिए इसका सबसे मेजरमेंट अलग है। तो पेपर में हम मार्किंग करके तैयार कर रखे हैं। देखिए जैसे कि हमारा ये कपड़ा है, तो इसमें सबसे पहले साइड में छोड़ना है ये 3 इंची। ये देखिए साइड में मैंने 3 इंची छोड़ रखा है। फिर आधा इंची आधा इंची ये डिजाइन बनेगी। फिर ये 1 इंची नहीं तो आधा इंची भी आप बना सकते, इसमें मैं आधा इंची बना रही हूँ। ये आधा इंची खाली बॉक्स छोड़ना है और फिर इसमें ये 2 बॉक्स, ये 5 बॉक्स हो गए। फिर ये बॉक्स इधर करने के बाद में हमें क्या करना है, इधर भी ये 3 इंची कपड़ा छोड़ा है। इसमें 2.5 2.5 भी छोड़ती हूँ मैं, लेकिन इसमें मैं 3-3 इंची, मोटा कपड़ा है बहुत, बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है तो मैं इसमें 3-3 इंची। फिर ये डिजाइन एक साइड की हो चुकी तो इसके बाद में हम 3 इंची फिर से इधर ये बॉल के पास छोड़ दिया। तो इसमें बॉल का साइज हम मतलब कम दिख रहा है, इसमें पेपर छोटा था। तो इसकी बॉल की चौड़ाई लेनी है ऐसे, इस तरीके से चौड़ाई लेनी है 6 और ऐसे लेनी है 3 इंची। तो ये देखिए ऐसे लेनी है इसमें 6 और मतलब इसकी लंबाई लेनी है 3-3 इंची। ये 16 बॉल का होता है। फिर सेम इसी ही तरीके से हम जैसे इधर 3 इंची छोड़े, फिर ये डिजाइन आई, फिर 3 इंची छोड़े, फिर ये बॉल आई, फिर ये इसके पास में बॉल के पास में भी 3 इंची छोड़ के फिर सेम वो ही डिजाइन आई। तो इसमें आपको ये समझ आ रही होगी अच्छे से हमें सुई धागे से जो सिलते हैं तो इस कोने को और इस कोने को जॉइंट कर देते हैं इकट्ठा करके, और ये आमने सामने वाले खाली रहते हैं। ऐसे ध्यान रखना है, इसमें आमने सामने वाला खाली है, ऐसे आमने सामने वाले में ये टिक लगाए हैं हम। तो उसी तरीके से सेम ये डिज़ाइन है, दोनों साइड सेम 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 कपड़ा आना चाहिए, बीच में बॉल आनी चाहिए। और इसकी कपड़े की लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ। मैं जो ये कपड़ा की कुशन बना रही हूँ, लंबाई चौड़ाई इसकी हम चौड़ाई 16 बॉल बना रहे हैं। अगर 16 बॉल बना रहे हैं तो 48 इसमें हम लंबाई लेंगे। ये देखिए 48, इसमें 16 बॉल में तीन 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 लगा लो आप, 48 हो गया। और इसकी लंबाई 48 हो गई। चौड़ाई इसमें ऐसे लेंगे हम, चौड़ाई इसमें हम 22 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें तीन तीन इंची छोड़ रहे हैं साइड में, ये तीन तीन इंची छोड़ रहे हैं तो मैं 23 ली हूँ इसमें, तो 23 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं। तो ये इसमें अच्छे से आपको समझ आ ही गया होगा। और सुई धागे से मैं सिलूंगी या डिजाइन बनाऊंगी, पूरा कंप्लीट कुशन बना के दिखाऊंगी। और ये चलिए मैं सुई धागे से भी सिल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसमें मैंने ये मार्किंग जो कि ये पेपर में मैंने ये टिक लगाई थी, मैं अच्छे से आपको ये समझा। जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम सुई धागे से सिलना, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस कोने को और इस कोने को जॉइंट करेंगे, फिर ये दो छोड़ देंगे, फिर इस कोने को और इस कोने को जॉइंट करेंगे, फिर इस कोने को, ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको हम सिलाई करके बता देते थोड़ा सा। ये इस तरीके से ये दोनों कोना ऐसे ये आधा आधा इंच वाले बॉक्स जॉइंट करनी है हमें। ये ऐसे दो लाइन बनाएंगे हम, इधर दो लाइन बनाएंगे उधर, तो ये सिंगल डिजाइन बन के आ जाएगी। मैंने बहुत डिजाइन की वीडियो अपलोड कर रखी है। देखिए ये बॉक्स मतलब इसमें दोनों कोना जॉइंट कर दिए, तो ये अब जॉइंट करेंगे हम इसके सामने वाला। जस्ट इसी ही तरीके से पूरा कुशन बनाऊंगी मैं, और आपको पेपर में अच्छे से समझ आ ही गया होगा। ये देखिए इसी तरीके से नोट्स लगाना है इसमें, हर बॉक्स को जैसे आमने सामने वाले को। अभी देखिए दोनों साइड हम ये इसमें सिलाई डिजाइन बना के सुई धागे से सिल के तैयार कर दिए, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये मार्किंग करने का तरीका मैंने अच्छे से बता ही चुका, और ये दोनों साइड सिलाई हो गई। अब ये बीच में बॉल्स ली जाएंगी, तो ये बॉल समझ नहीं आ रही है, यहाँ से यहाँ चौड़ाई इसकी फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। 6 इंची लिए हैं, ऐसे हम 3-3 इंची लिए हैं, 16 बॉल का बना रहे हैं। तो चलिए डिजाइन देख लेते हैं कैसी बन के आ रही है। सीधी साइड में देखो इस कपड़े की कितनी सुंदर डिजाइन लग रही है, ये बहुत सुंदर लग रही है। बॉल और बन जाएंगी इसकी तो और सुंदर लगेगी। तो देखिए इसको हम इस तरीके से बना लिया, तो अभी ये कपड़ा सीधा है, तो इसमें हम जॉइंट कैसे करेंगे इसको। इस तरीके से एक टाका लगेगा। अभी देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसमें एक टाका लगा देंगे मशीन की मदद से, और ये दोनों को ऐसे जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद में फिर हम बॉल बनाएंगे, क्योंकि अगर बॉल बना देंगे तो इधर से चुनगट चुनगट ये 6 इंची का 6 इंची इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो इकट्ठा होने के बाद में क्या इसमें अच्छे से सिलाई नहीं लग पाएगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले टाका लगा देते हैं, बॉल बना देते हैं, फिर फाइबर डालनी है, हमारा कुशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड ये कुशन मेरा बन के पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी बनने के बाद में। जिससे कि हम 1 इंची का बॉक्स लेते हैं तो उसमें थोड़ी बड़ी डिजाइन बन के आ जाती है, और 1 इंची से कम लेते हैं तो ये डिजाइन इसमें बन के आई है। दोनों साइड में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी भी, और इसका मेजरमेंट मैं बता चुकी हूँ, पेपर में भी समझाई हूँ अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। तो ये कुशन आप बनाइए, बहुत सुंदर लगता है। और ये 5 का सेट बनता है। तो ये देखिए जैसे कि हम इसमें वाइट स्टोन लगाए हैं, और वाइट स्टोन आपको नहीं मिले तो हम इस तरीके से ये भी बटन लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके का ये भी बटन लगा सकते हैं। तो ये 2 कुशन मेरा बनके कंप्लीट हो गया। इसी ही तरीके से हम 5 कुशन बनाएंगे, 3 और बनाऊंगी मैं। तो मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, मतलब डिजाइन इसमें ये ही थी, मेहरून कलर में पूछा था, लेकिन उनको लेना थोड़ी, उनको सिर्फ डिजाइन सीखनी थी, तो मैंने इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर। तो चलिए फ्रेंड आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं फिर से समझाऊंगी अच्छे से। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू।